अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? तो अभी मैं किचन में आई हूँ, अभी दोपहर का टाइम है और घर के काम तो आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होते। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। सुबह को एज़ यूज़ुअल नाश्ता हो गया था और अभी बर्तन जो है ना वो तो माशाल्लाह से, आपको हमेशा मैं कहती हूँ, काफ़ी बरकत होती है। तो मैं बर्तन वॉश करने लगी थी और ये ग्लव्स मैं लेकर आई थी, एक एक्स्ट्रा मैंने रख लिए थे लेके, क्योंकि ग्लव्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ग्लव्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसलिए मैं आपको ये कहूँगी, मशवरा दूँगी कि जब भी लेना अपने से एक साइज़ बड़ा लिया करें, इस वजह से कि फिर उतारने में और जब आप पहनते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फटेंगे नहीं, अदरवाइज़ फिर बहुत जल्दी फट जाते हैं। वैसे भी कुछ अरसे के बाद यूज़ होके फट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा साइज़ आप एक बड़ा लेंगे ना, फिर ये आराम से जो है आपके ज़्यादा चल भी जाते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बास्केट वॉश करने लगी हूँ। हम जितने भी बर्तन वॉश करके धो के रखें तो बास्केट जो है ना वो ख़राब होती ही है, डस्ट आए या फिर जो पानी होता है, पानी ज़्यादा देर कहीं भी रखा रहे, आपको पता है कि वो चीज़ अजीब सी हो जाती है। तो आप ये देखें, वैसे तो यहाँ पे साफ़ बर्तन रखे जाते हैं लेकिन इन चीज़ों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ब्रशेस रखे हुए हैं हर जगह पे, किचन में भी दो चार रखे हुए हैं हर चीज़ के लिए डिफरेंट। इस तरह से आराम से जो है ना ये साफ़ हो जाता है, बल्कि कुछ भी साफ़ हो जाता है। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने सारे वॉश करके रख दिए और उसके बाद मैं आ गई थी स्टोरेज में। मैं देख रही थी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है ना वो रखी हुई है, क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ रीफ़िल करनी है, तो वो अभी मैं करने लगी हूँ। अच्छा ये देखें, ये अगर आप बड़ा वाला डिह्यूमिडिफायर नहीं लेना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा आपके घर में मोल्ड नहीं है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये छोटे मोटे जो है ना मसला हो तो उसके लिए सही रहता है। और ये दालें हैं जो कि मैंने अभी निकाली हैं। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी एक्चुअली कि मैं जो है ना रेड किडनी बीन्स की जगह ये लेकर आई हूँ। लोबिया वैसे मैं अक्सर लेती हूँ जो नॉर्मल होता है लाल लोबिया, लेकिन ये मैं गलती से ले आई और जल्दी में उठाया तो देखा नहीं और ये मैं लेकर आई हूँ। तो खैर अब वापस तो नहीं जा रही, इसी को बनाएंगे मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हम लोग छोटे वक्त शायद खाते थे, मोठ कहते हैं इसे या इस तरह से कोई नाम कहते हैं, बड़ा बड़ा अरसा हो गया नहीं खाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वही है। खैर चले इनको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई थी, बस ये कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं और इनको इंशाल्लाह ताला यूज़ करेंगे, रीफिल करूंगी। तो साथ साथ ना मैं देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या चीज़ रखी हुई है, तो फिर साथ साथ मैं रीफिलिंग भी करती रहती हूँ। और ये मैंने नया निकाल लिया है कि ये भी अभी मैं रख दूँ। उसके साथ मैंने चिक पीस का पैकेट भी निकाल दिया, इस पैक को भी मैं अभी रीफिल कर लूँगी क्योंकि चने आपको पता है मेरे घर हर दूसरे दिन बनते ही रहते हैं। घर में किचन में अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करते रहे ना, बस चीज़ों को यहाँ से वहाँ रख दें, वहाँ से यहाँ रख दें, क्लीनिंग करते रहें, थोड़ा बहुत आप ऑर्गेनाइज करते रहें तो आपका दिल लगा रहता है, अच्छा लगता है, थोड़ी सी अच्छी चेंजेस आती हैं। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, एक बास्केट टाइप की है, तो मैंने सोचा कि ऑयल्स मैं सारे इसी में रख देती हूँ ताकि जगह भी कम ले। प्लेट जो है ना, मैंने प्लेट के ऊपर टिश्यू रख के रखा हुआ है लेकिन वो हिलती ही रहती है, तो मैं इस तरह की कोई चीज़ ढूंढ रही थी। फिर मैंने कहा जब जाऊँगी लेकर आऊँगी वो तो बात की बात है, घर में ही देख लेते हैं क्या चीज़ रखी हुई है। तो ये मैं लेकर आई थी और इसमें मैं टिशू पेपर रख लूँगी जो मोटा वाला होता है, और उसके ऊपर मैं सारे जो ऑयल्स हैं ना वो उनकी जितनी भी बॉटल्स हैं वो रख दूँगी। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दी और मुझे इतनी अच्छी लग रही है और बस देख देख के ही ना दिल खुश होता रहता है। उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने पहले प्लेट रखी हुई थी, उससे मैं बहुत तंग हो रही थी, कितने दिन से सोच रही थी, तो फाइनली मैंने कहा चलो अब जो है ना वो चेंज कर ही लेते हैं। और यहाँ पे मैं दालों को भी रीफिल कर लूँगी इनके कंटेनर्स में। कंटेनर्स कुछ मैंने वॉश करके पहले रख लिए थे, कुछ मैंने अभी वॉश किए हैं, तो ये दाल मैं अभी रीफिल कर रही हूँ। अच्छा दालों के जो पैक्स होते हैं ना वो मैं इतने ही लेकर आती हूँ, तो हम दो लोगों के हिसाब से जो है ना वो ठीक रहती हैं। और दालें मेरे घर काफ़ी बनती रहती हैं, कभी मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी व्लॉग में नहीं मैं बनाती हूँ या दिखाती हूँ, लेकिन दालें जो है मैं अक्सर बनाती रहती हूँ।
चने मैंने पहले रखे हुए थे छोटे कंटेनर में, तो अभी ये भी मैं वॉश कर लूंगी। और अब मैं बड़ा वाला जो कंटेनर है ना उसमें चने डालूंगी अभी, तो इसमें ये डाल देते हैं, ये लेकर आए हैं। वैसे ये इनका नाम डिफरेंट है यहाँ पे। मैं जब नई नई आई थी ना यूके में, तो तब मैं जो भी चीज़ देखती थी, जाहिर है हम पाकिस्तान में रहते थे, हम वहाँ से बचपन से देखते आए, तो वहाँ से जब मैं यहाँ आई थी तो हर चीज़ का नाम डिफरेंट होता था। जैसे कि मैं अचार का मसाला लेने गई, मुझे वो नहीं मिल रहा था, यहाँ पे जो है ना उसका नाम डिफरेंट होता है जो साबित मसाले होते हैं। फिर मैंने शॉपकीपर से पूछा तो उन्होंने बताया था। सेम इस तरह बहुत सारी दालें चीज़ें, तो उनके नाम काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पता चलता जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इसको क्या कहते हैं, और ये बनाते हैं या नहीं बनाते, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सारे मैंने सेट करके रख दिए। अब उसके बाद मैं चने डाल दूंगी इस कंटेनर में। बेसिकली इसमें ज़्यादातर सीरियल्स वगैरह डाले जाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास यही रखा हुआ था थोड़ा सा बड़ा, तो मैंने कहा इसमें चने डाल देती हूँ। और अब मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना वो थोड़े से ये चेंज करके बनाऊँ। तो मेरे घर में खैर बनते हैं, हर घर की हर इंसान की पसंद नापसंद डिफरेंट होती है, तो ज़रूरी नहीं आप भी बनाएं आपको अच्छे लगें, लेकिन जो मेरी रूटीन है जो मेरी लाइफ है मैं वही शेयर करती हूँ। ये भी मैंने रीफिल कर लिया है, और उसके बाद इसको भी मैं रख दूंगी। मुझे लगा कि इसमें ही डाल देती हूँ बजाय इसके कि मैं जाऊँ और पैसे लगाऊँ लेकर आऊँ, या जगह भी इतनी नहीं है, तो चलो जो चीज़ें रखी हुई है ना उनको यूज़ कर लें। तो मैंने देखे खजूर एक में रख दी, एक में ये रख दी है। सीरियल मैंने अभी नहीं डाले, वो बहुत जल्दी यहाँ पे ना मेरे किचन में ख़राब हो जाते हैं। तो खैर देखेंगे अब उसका क्या करना है आगे, इंशाल्लाह ताला देखूंगी उसका भी। ये वाला मैं पैक अभी इस बार बड़ा लेकर आई हूँ, पहले ये भी मैं छोटा लेकर आती थी, लेकिन इस बार मुझे बड़ा जो है ना वो सही लगा। मैंने कहा बार बार जब एक चीज़ ज़्यादा बन रही है तो उसका बड़ा पैक ले लें तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हो गई और अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। बहुत बार ये होता है कि मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मेरी एक लाइफ का एक पार्ट है, हर एक का है, मेरा भी है, तो इसलिए मैं कभी कभी शेयर कर देती हूँ। जब दिखाते हैं तो समटाइम लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रही हैं या क्यों वीडियो बना रही हैं दिखा रहे हैं। कभी कभी नहीं दिखाते तो फिर सारे कहते हैं कि शायद आप नमाज़ नहीं पढ़ते या आप दिखाते क्यों नहीं है, तो खैर क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं अभी फ़्रेश हुई, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अब मैं किचन में जाऊँगी, शाम की चाय बनाऊँगी, और शाम की चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ जब उस्मान घर में होते हैं। यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी हुई हुई है, इस वजह से मैंने लॉन का जोड़ा पहन लिया नहा के। और गर्मी जो है ना वो वैसे इंग्लैंड साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, हमारी भी हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी जो है ना कम है गर्मी, लेकिन फिर भी यहाँ के वेदर के हिसाब से जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अभी गर्मी हुई हुई है। तो इसलिए फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो लॉन का ड्रेस पहन लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने फ्रिज में फ्रीज़र में चीज़ें देखी कि क्या क्या रखा हुआ है, वो मैंने सारी निकाली, ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने सबको अरेंज किया। उसके बाद मैंने निकाले कल जो मैक्रोनी मैंने बनाए थे तो वो बच गए थे, मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा ये व्लॉग जो है ना मैंने नेक्स्ट डे ही बना लिया था, लेकिन मैं कल एडिट नहीं कर सकी थी, तो इसलिए ये मैं अभी एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक लंच बॉक्स का आइडिया भी है कि आप रात को सारी चीज़ें प्रिपेयर करके फ्रिज में रख लें, सुबह जल्दी जल्दी से बस चीज़ों को मिक्स करें, आप जो है ना ओवन में रख लें, चूल्हे के ऊपर डेगची में रख लें, या फिर आप जो है ना एयर फ्रायर में रख लें, क्योंकि एयर फ्रायर की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि उसकी रेसिपीज़ आप ज़्यादा शेयर किया करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली और उसके बाद ये छोटे दो पैन लिए हैं। अगर आपको याद हो जब मैं पाकिस्तान में व्लॉग्स बनाती थी तब मैं इसमें आपने देखा होगा फ्राइज़ बनाती थी, पिज़्ज़ा फ्राइज़, मैक्रोनीज बेक करती थी, डिफरेंट रेसिपीज़ मैं इनमें बनाती थी। तो अब भी मैं इन्हीं में ही जो है ना आज बना रही हूँ, और मुझे वो टाइम बड़ा याद आ रहा था। कुछ मेमोरीज बहुत प्यारी होती हैं, कभी भी नहीं भूलती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए और उस्मान के लिए। अच्छा ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ना, मैं इसका भी आपको बता दूँ, ये बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में जो भी रहते हैं तो ये आप ज़रूर यूज़ करें पिज़्ज़ा सॉस, इससे मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप नहीं बनाना चाहते, इमरजेंसी है, जल्दी में है,
या आप लंच बॉक्स के लिए कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। मुझे तो ये खैर काफी अच्छा लगा है। मैंने पाकिस्तान में जब ये नया नया आया था ना कुछ साल पहले, तब यूज किया था, उससे मुझे अब बहुत अच्छा लगा है। तब ये बहुत ही ज्यादा वॉटरी सा होता था और तब मैं कुछ बनाती थी तो मुझे मजा नहीं आता था टेस्ट का भी, लेकिन अब आप देखें इसकी कितनी अच्छी थिकनेस है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है ना मशरूम्स हो गए, अलापिनोस, ऑलिव्स, कॉर्न्स, जो जो मुझे चीज़ें मिली सारी मैंने डाल दी। उसके बाद मैं अभी चीज़ इसमें ऐड करूंगी। उस्मान के लिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी अपनी, मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा वॉच करके लेती हूँ, तो मैंने अपनी भी खैर डाली थी, लेकिन अभी आप ये देखें कितने मज़े का रेडी हो गया। आप ये बड़े पैन में, डिश में भी बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। आपके पास चिकन है या नहीं है, लेकिन फटाफट से ये रेसिपी बना के ना आप इंजॉय कर सकते हैं, इवन के गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं। तो इसमें आप वेरिएशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कभी कभी मैक्रोनीस बच जाती हैं या पास्ता बच जाता है तो आप उससे भी ये बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इस पे मैंने फिर बाद में डाल दिए थे थोड़े से चिली फ्लेक्स, इस पे ओरिगानो डाला था और नटमैग का पाउडर डाला था मैंने। तो आपके पास कोई भी चीज़ है आप डाल दें, मिक्स हर्ब्स हैं, ओरिगानो डालेंगे तो ज़रा अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा, और उसके साथ रेड चिली फ्लेक्स अगर आप चटपटा पसंद करते हैं। तो बच्चों के लिए ना डालिएगा लेकिन अपने लिए आप डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो रेसिपीज़ है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती, और आप इनको अगर एयर फ्रायर में बनाते हैं या वैसे भी आप बना लेते हैं, एयर फ्रायर ज़रूरी नहीं है सबके पास हो, ओवन में बेक कर लेते हैं या चूल्हे पे आप पतीले में बना लें, तो ये हार्डली 5 से 6 मिनट में बन जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक होती हैं, बस चीज़ मेल्ट होती है और अंदर तक थोड़ा सा टेस्ट जाता है। तो 5 मिनट 6 मिनट बस आप इसको रखें, और मैंने इनको रखा था 180 डिग्री पे, 5 से 6 मिनट में ये बेक हो गए थे। तो ये देखें जी, ये मैं आपको पूरी कोशिश कर रही थी, मुझे लग रहा था कि आज शायद मेरे कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज हुई हुई थी, अब पता नहीं फोकस इसका यहाँ वहाँ जा रहा था, लेकिन खैर चलें शुक्र है कि वीडियो अच्छी बन गई। तो अभी ये रख रही हूँ मैं एयर फ्रायर में, मैंने एक एक करके रखा था क्योंकि एयर फ्रायर मेरा राउंड में है तो एक एक ही सही इसमें आएगा। अच्छा, ये वाले जो पैन है ना ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, स्पेशली आप इंडिविजुअल सर्विंग कर रहे हैं या आप वैसे भी बना रहे हैं, अपने लिए बनाएं, इंजॉय करें, अपने आप को ट्रीट्स ज़रूर दिया करें। तो ये देखें जी कितना मज़े का ये बेक हो गया, और ये अंदर तक जो है ना बहुत मज़ेदार बन गया, टेस्ट भी आ गया और सही गर्म होके ये बन गया था, मतलब सही हॉट बना था। तो ये देखें जी, ये अभी उस्मान का है, अभी मैं अपना भी बना लूँगी। वीडियो का मैं एंड करती हूँ, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं अभी बना रही हूँ चाय, शाम की चाय, और उसके बाद फिर मैं आगे का व्लॉग आपसे कल शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है एडिट करने में। तो बाकी इंशाल्लाह ताला यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।